इरफान सोलंकी, कानपुर की राजनीति का वो नाम जो एक अरसे से अपनी छाप छोड़कर रखा था, लेकिन आज वो वक्त है जब पुलिस इरफान सोलंकी के वर्चस्व को पूरी तरह से खत्म करने पर आमादा सी दिखती नजर आ रही है। तभी तो एक से बढ़कर एक मामले पुलिस खोद खोद कर निकालती जा रही है। ऐसे एक मामले में कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी पर चार्जशीट दाखिल की है। ये मामला साल 2021 का है, जिसमें इरफान सोलंकी पर एक आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिसकर्मियों के साथ झड़प करने का आरोप लगाया गया था। बता दें कि 23 अगस्त 2021 को ग्वालटोली पुलिस ने मोहम्मद शरीफ नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा था, जिसकी पैरवी के लिए सपा विधायक इरफान सोलंकी ग्वालटोली थाने पहुंचे थे। कानपुर पुलिस का दावा था कि सपा विधायक ने पहले वहां पर आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया। उस दौरान ट्रेनी दरोगा राजीव कुमार सिंह ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था। इस पर विधायक भड़क गए और बदतमीजी पर उतारू हो गए। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था, जिस पर दरोगा राजीव सिंह ने थाने में विधायक के खिलाफ तस्करा लगाया था। अब इस मामले में विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ग्वालटोली थाने में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस के कर्मियों के साथ इरफान सोलंकी का उलझते हुए आपस में जो है झगड़ा करते हुए और ऐसे शब्द बोलते हुए जो कि नहीं बोले जाने चाहिए, और एक तरह से हम कहें तो कार्य में बाधा डालते हुए, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करते हुए और एक अभियुक्त को छुड़ाने का प्रयास करते हुए एक वीडियो जो है वायरल हुआ था। इसका तस्करा जो है वो थाने में था और उस समय थाना प्रभारी को तत्काल इस पर कार्यवाही करनी चाहिए थी। हालांकि ये भी एक विषय है जो हम लोगों ने जांच का विषय रखा है और हम लोगों ने उस तस्करे को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज किया, उसकी विवेचना की गई है और उसे अंतिम रूप से न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। यानी इरफान सोलंकी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलिस इरफान सोलंकी को किसी भी हाल में बाहर आने देना नहीं चाहती। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, कानपुर तक।